वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा ऑरेंज चिकन, जो कि बनाना बहुत आसान है, इजी सी रेसिपी और सुपर डिलीशियस बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना ऑरेंज चिकन। इसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया बाउल, उसमें हमने ऐड कर दिया 1/2 कप मैदा और 3 से 4 चम्मच जो है हमने कॉर्नफ्लावर के ऐड किए। अब इसमें ऐड करी नमक 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच वाइट पेपर, 1 छोटी चम्मच पेपरिका और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 kg बोनलेस चिकन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मैरिनेशन बता रही हूँ। एक अंडा ले लेना है और साथ ही हमने इसमें पानी डाल के आस्ता आस्ता मिक्स करके इसका एक बैटर सा बना लेना है। एकदम पानी नहीं ऐड करना, अभी आपने आस्ता आस्ता करना है, एकदम से करने से वो बहुत थिन बैटर बन जाएगा। ये देखिए आस्ता आस्ता मिक्स करेंगे, इसके पहले मैरिनेशन हम तैयार करेंगे। ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बोनलेस चिकन, ये हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको आपने सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, दैट्स इट, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना है। ये उसी में मैरिनेट हो जाएगा जब तक हमारा ऑयल हीट अप हो रहा है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ईजी सी रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाती है और सिंपल से स्टेप्स हैं। जस्ट आप स्टेप्स को फॉलो करें तो आपका परफेक्ट ऑरेंज चिकन बनेगा। आप इसको फ्राइड राइस, स्पेगेटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब इधर जो मैं चिकन को सिंपली फ्राई कर रही हूँ, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने कुक करना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना, अदरवाइज जो चिकन है वो हार्ड रहेगा। या देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तो हमने इसको निकाल लेना है। अभी मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं रखनी, मीडियम से थोड़ी सी कम रखनी है आपने, और हमने इसको अब निकाल लेना है। इसी तरह मैं सारे चिकन जो है फ्राई कर लूँगी। अब इसके बाद हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। इधर मैंने ऑरेंज जूस लिया है, फ्रेश ऑरेंज जूस लिया, 5 से 6 ऑरेंजेस का जूस, 3 बड़े चम्मच सोया सॉस, 3 चम्मच सिरका, नमक 1 चम्मच, ब्राउन शुगर 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच चीनी और 2 बड़े चम्मच ऑयल के। साथ ही मैंने इसमें ज़रदा रंग ऐड किया है, चूँकि ऑरेंज जूस को थोड़ा येलो सा है तो हमने इसको ऑरेंज कलर देना है, तो येलो जो ज़रदा रंग होता है हमने वो ऐड कर देना है। उसको मिक्स करना है। अब हमने जाके इसमें स्टोव ऑन करना है। पहले हमने इसमें ऐड कर देना है कॉर्नफ्लावर, 2 से 3 बड़े चम्मच जो हमने कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसको मिक्स करना है और अब हमने चूल्हे को ऑन करना है और इसको एक बॉयल आने देना है। ये अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रह जाए कॉर्नफ्लावर के। अब हमने स्टोव ऑन कर दें, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। ये जैसे थोड़ा थोड़ा थिक होने लग जाएगा, अब हमने इसमें ऐड करना है लहसुन और अदरक बारीक चॉप किया हुआ 1 बड़ी चम्मच और अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। जैसे ही थोड़ा सा इसमें उबाल आने लग जाएगा तो इसकी कुकिंग हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से कुक हो गई है सॉस, बहुत ओवर कुक नहीं करना और देख लें आप कितनी थिक रह गई है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए हार्डली मिक्स करना है और हमारा जो ऑरेंज चिकन है वो तैयार है। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, बस आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। जब हमने सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करने हैं तब चूल्हा ऑन नहीं करना है, जब कर लेंगे उसके बाद हमने ऑन करना है और इसको आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। यहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर देना है, इधर मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ एंड दैट्स इट, हमारा ऑरेंज चिकन रेडी है। इसको आप सर्व करें राइस के साथ, नूडल्स के साथ और आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।